है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, जब इंसान छोटी छोटी बातों में लेट गो नहीं कर पाता तो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन के लिए या बड़े बड़े सपनों के लिए आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर ज़िंदगी का सवाल है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ का सवाल है, तो यहाँ पे किसी ने लेट गो किया है। इतनी अमेजिंग ये स्टोरी है और इनका विश्वास, और इन्होंने एंड में स्टेप्स भी लिखे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो है एक इंडियन है, ये सबसे पहले लिखती है कि ये जहाँ पे हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे उनकी जो रूममेट है उन्होंने उनको दो सीक्रेट और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया। ये लगभग 2008 की बात है। उस टाइम पे मैं अपने रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी और जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक, द सीक्रेट के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जड़ी बूटी मिल गई और अपने सारे प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मिल गया, क्योंकि मैं उस वक्त टीनेजर थी तो मेरे लिए विश्वास करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान था। लेकिन उस चीज़ ने वहाँ पे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मुझे, मेरा विश्वास जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही यूज़ करके अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट की है। उसमें से एक जो है वो है मेरी शादी, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही आई है। लेकिन आज की जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ वो है मेरा वीज़ा लगने की और हमारे जो पूरा रिलोकेशन हुआ फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मेरे हस्बैंड के साथ, वो कैसे रोलर कोस्टर जो है वो पूरी जर्नी रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो 4 साल से US में काम कर रहे थे, मैं इंडिया में थी। हम जो है एक ऐसी जगह पे मूव करना चाहते थे एक साथ फॉरेन कंट्री के अंदर, जहाँ पे हमें अच्छा काम भी मिले और वर्क लाइफ का बैलेंस भी हो और हम अच्छी ज़िंदगी भी जी पाए। हमने जब फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में रिसर्च किया तो हमारा जो मन है वो ऑस्ट्रेलिया पे आया। इसीलिए हमने काफ़ी सारा पेपर वर्क करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी। प्रोसेस के बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन उस चीज़ ने हमारी बहुत इम्पेशंस को बढ़ा दिया था। मैंने वहाँ पे जाके अपनी पूरी की पूरी फ्यूचर लाइफ को इमेजिन करना शुरू कर दिया था। मैंने सिडनी के फ़ोटोज़ जो है वो अपने स्क्रीन सेवर के अंदर एक्टाइजिव दोस्तों स्क्रीन सेवर के अंदर लगा दिए थे। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था कि वहाँ पे मेरे लिए जॉब के ऑप्शन कौन कौन से हैं, मैं कौन सी जॉब करना चाहूँगी। मैंने ये भी बोल दिया कि हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और मैं बहुत जल्द अपनी करंट जॉब से जो है वो रिज़ाइन भी कर दूँगी। मैंने ऑलमोस्ट इतना सारा एक्ट एज इफ किया था और मैं उतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन फिर भी कोई भी साइन नहीं था, कोई भी न्यूज़ नहीं था कि हमारा वीज़ा लगा है या नहीं। मीनवाइल मेरे जो हस्बैंड थे वो लौट आए USA, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया में भी हम लोग एक साथ नहीं रह पा रहे थे क्योंकि उनकी जो काम की जगह थी वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर थी। वो जो है मुझसे सीनियर पोजीशन के ऊपर काम करते थे तो हमारे लिए जो वर्क लाइफ का बैलेंस था वो चीज़ मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं भी ऐसी जगह पे काम करती थी जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा वर्क पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा था और इसकी वजह से मुझे एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। फाइनली मैंने अपनी जॉब से जो है वो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अब घर पर बैठी थी लेकिन वीज़ा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सडनली इसी बीच के अंदर, अभी भी मैं चाहती तो थी कि हमारा वीज़ा लग जाए और हम वहाँ पे चले जाए, लेकिन इसी के बीच में ये पता चला कि मेरे हस्बैंड को नेपाल से काम का ऑफ़र आया है और ये कंपनी इतनी अच्छी है कि वो मेरा स्टे भी उनके साथ स्पॉन्सर कर लेगी। इस टाइम पे हम लोग ऑलमोस्ट भूल गए कि हम लोगों ने अपने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और हम लोग इतने खुश थे कि एटलीस्ट हम लोगों को साथ में फाइनली रहने का मौका मिल रहा है एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, और हम एक पीसफुली एक जगह पे साथ में रह पाएंगे। हम नेपाल में शिफ्ट हो गए
नेपाल में शिफ्ट होने के बाद जो मेरा माइंड था वो थोड़ा सा काम था, तो मैंने द मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ग्रैटिट्यूड दोस्तों, डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, माना मैजिक प्रैक्टिस, द सीक्रेट का ही एक पार्ट है। तो 12 दिन के अंदर मेरी वहाँ पे एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर जॉब लग गई। मुझे वहाँ पे बताया गया कि ये पोजीशन थी भी नहीं, ये पोजीशन मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरी रिज्यूम देखने के बाद उन्होंने क्रिएट की है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था तो उनको मुझे लेना ही था। वाव, ये जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे उनके लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है और एक साइन है कि यहाँ अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए नई पोजीशन बनाई जाएगी। इन्होंने मैजिक प्रैक्टिस की थी, ठीक है। मेरे पास सारे के सारे रीजंस थे टू फील गुड एंड टू फील ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। ये भी वही वक्त था कि हम अभी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के बारे में तो कोई फोकस कर ही नहीं रहे थे, और हमारी जो नई सिटी के अंदर लाइफ थी उसको हम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम फाइनली अपनी ज़िंदगी के अंदर मुतमईन थे और बहुत खुश थे। फिर 6 महीने के बाद, रिलोकेशन के 6 महीने के बाद नेपाल में, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लेटर भेजा जो उन्होंने एम्बेसी से रिसीव किया था, और हमें हमारी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फाइनली हमारा वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया था और हमें 1 महीने के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करना था। हम दोनों की सारी पुरानी प्रार्थनाएं जो है वो परमात्मा ने सुन ली थी। और मीनवाइल जो हमें नेपाल में रहना पड़ा और जो हमारा डिले हुआ, उससे हमें इस तरह से हेल्प की कि हम बहुत सारा पैसा जो बच है वो बचा पाए, जो हमें हमारे आगे के जीवन के अंदर काम आने वाला था। बहुत सारे लोगों ने बोला हमें कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जो है काम मिलने में थोड़ी सी मुसीबत होगी, लेकिन हमारी बिलीव इतनी स्काई रॉकेट और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वहाँ पे पहुँचने के 20 दिन के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब मिल गई। मैंने अपनी चीज़ में जब मैंने अपने फियर्स और अपनी एंजाइटी को जाने दिया और मैंने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया। जो भी ये कहानी सुन रहे हैं उनको मैं ये 5 बातें बोलना चाहती हूँ जो मैंने प्रैक्टिस की या मैंने अपनी जर्नी के अंदर देखी। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, और अपनी डेली लाइफ के अंदर आप ज़रूर और ज़रूर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। अपने गोल को बहुत ही क्लियरली लिख दीजिए और उसको जब भी आपका दिल खुश हो तब विजुलाइज कीजिए। थर्ड, आपकी लाइफ में जो लोग पॉजिटिव आउटलुक वाले हैं, जो आपको मोटिवेट करे, उनके साथ बात कीजिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ बहस करना छोड़ दीजिए कि आपने आपके सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट, अपना जो है वो प्रेजेंट उसको आप इंजॉय कीजिए। लास्ट, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, चैंटिंग कीजिए, और अपनी बिलीव को, अपने विश्वास को बनाए रखिए। आपका सपना भी वैसे ही पूरा हो जैसे मेरे